अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस के सेशन में, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड पैटर्न बताता हूं, जिसका नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। जिस तरह आपने वीडियो नंबर 4 में देखा कि मैंने बताया आपको हैमर पैटर्न, जो कि अम्ब्रेला पैटर्न का एक हिस्सा है, जो बुलिश पैटर्न है, जो हम कहते हैं हैमर पैटर्न, इसी के तरह इस पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हैंगिंग मैन पैटर्न कब फॉर्म होता है और इसके क्या क्या शरायत, क्या क्या जो है कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले बात याद रखिए दोस्तों, द प्रायर ट्रेंड मस्ट बी एन अपवर्ड ट्रेंड। यानी जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न, ये बीएश पैटर्न है, यानी ये जो है शॉर्टिंग वाले जो शॉर्ट्स होते हैं ना, यानी डाउनवर्ड ट्रेंड का जो है ये आगाज करता है हैंगिंग मैन पैटर्न। सो दिस प्रायर ट्रेंड मस्ट बी ऑफ द अपवर्ड, यानी जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म होगा तो प्रायर जो पैटर्न होगा वो होगा अपवर्ड ट्रेंड। और नंबर 2, द शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। यानी जैसे आपको लास्ट टाइम अम्ब्रेला पैटर्न बताया, जो बॉडी साइज होता है उसके नीचे का जो अम्ब्रेला होता है, जो शैडो होता है, वो शैडो शुड बी डबल द साइज ऑफ द बॉडी। एंड नंबर 3, इट मे हैव अ स्मॉल अपर शैडो इन सम केसेस। यानी छोटा मोटा अगर अपर शैडो भी हो तो इसका कोई जो है हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, ये पैटर्न एक्चुअली है बीयरिश पैटर्न। यानी वो लोग जो शॉर्टिंग करते हैं, यानी जो शेयर्स को शॉर्ट करने की कोशिश शॉर्ट करते हैं, उनके लिए ये जो ट्रेंड है ये बीयरिश फॉर बीयर्स, यानी जो शॉर्ट्स करते हैं। लेकिन इस्लामिक एतबार से हमको ऑलरेडी ये बात पता है कि शॉर्टिंग जो शॉर्ट सेलिंग है हमारे इस्लामिक एतबार से ये जायज़ नहीं है, तो हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये पैटर्न का आप एक याद रख लीजिए, कोई आपने शेयर को ख़रीदा और जब भी ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर स्विंग के लिए लिया है, तो आपने एक लो पर खरीदा, वो ऊपर 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 जा रहा है, अब सडनली वहां पर एक हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, तो यानी ये आपके लिए सिग्नल है कि आपने जो खरीदा था पहले उसको आप बेचकर आप जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसकी वजह ये है कि हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ सिग्नल दैट आप शेयर जो है नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आपको ये ट्रेड, ये सिग्नल हमारे लिए एग्जिट के लिए यूज करना है, क्योंकि हम शॉर्ट सेलिंग तो नहीं करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में आप सिंपल से देख सकते हैं, यहां से अप ट्रेंड हो रहा था, तो एक्चुअली शेयर प्राइस ऊपर 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 जा रहा था। सडनली आप यहां पर देखिए, एक जो है यहां पर फॉर्म हुआ है एक हैंगिंग मैन पैटर्न। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द लॉजिक, ये हैंगिंग मैन पैटर्न क्यों हमारे लिए बेरिश ट्रेंड है, क्यों ये जो है नेगेटिव की तरफ ले जाता है। उसका सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि जो है शेयर ऊपर 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 ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन यहां पर हैंगिंग मैन का जो फॉर्म होता है वो एक अप ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड में अब हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है। समझिए, ये आपका हैंगिंग मैन है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ था, तो यहां पर जो है ना बुल्स ने स्टार्ट किया और इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बियर्स ने इस प्राइस को जो है नीचे लेके जाने की कोशिश की, यानी बियर्स हैव टेकन एन एंट्री। जब बुल्स उस प्राइस को ऊपर से ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन अब बियर्स ने उस शेयर में एंट्री ली है, क्योंकि बियर्स के मुताबिक मे बी द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो यहां पर इन्होंने एंट्री ले ली। लेकिन फिर भी बियर्स ने इसको क्या किया, यहां पर बुल्स ने इसको फिर से ऊपर लेकर यहां पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हो चुका है। लेकिन इसका सिंपल सिग्नल हमारे पास ये है कि जो है बियर्स की एंट्री हो चुकी है। तो जनरली अगर आप रिस्क अवर्स है, यानी रिस्क अवर्स यानी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जनरली इस टाइम पर यहां पर आप जो है सेकेंड डे आप एग्जिट कर लेंगे, और जो रिस्क ज्यादा रिस्क जो है रिस्क लेने वाले हैं वो लोग इमीडिएटली यहीं पर ही वो ट्रेड में एंट्री लेते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा हमारा जो मकसद है वो एग्जिट के लिए है, तो यहां जैसा ये फॉर्म हो जाएगा मैक्सिमम दूसरे दिन आप देखिए वो क्या रेंज में है, इमीडिएटली उस शेयर से आपको एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न जब भी फॉर्म होता है उसके बाद आपका जो डाउन ट्रेंड है वो चालू हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए कि जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म होता है, अगर आप
ट्रेड में एंट्री लिए हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको एक राइट टाइम पर, जैसा हैंगमैन फॉर्म हो रहा है उस दिन या उसके दूसरे दिन, इमीडिएटली आपको एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगाना है और आप उसको एग्जिट लेना जरूरी है। वरना क्या होगा दोस्तों कि आप जो शेयर लिए थे वो नेगेटिव में आता जाएगा, रिवर्स होके पूरा माइनस भी हो सकता है। तो हमारे लिए फॉर लॉन्ग जो हम जो हमेशा लॉन्ग साइड देखते हैं, यानी बाय हम पहले करते हैं बाद में सेल करते हैं, तो हमारे लिए हैंगिंग मैन पैटर्न का सिंपल लॉजिक ये है कि हम जब भी ये फॉर्म होता है मैक्सिमम तरीके से हम एग्जिट लेंगे, ताकि हम जो हमारा जितना भी प्रॉफिट है उसको हम क्लोज करके एग्जिट कर लेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हो उस दिन आप 50% एग्जिट ले लीजिए और वेट कीजिए कि नेक्स्ट दिन क्या होता है। अगर नेक्स्ट दिन वो फेल ना हो, अगर वो नेगेटिव की तरफ जाए, तो आप 100% जो 50% बचा था वो भी एग्जिट कर लीजिए और आप उस शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। और जो लोग शॉर्टिंग करते हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो शॉर्टिंग जायज नहीं है, लेकिन शॉर्टिंग करने वाले जनरली यहां पर एज अ वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और अपना जो हैंगिंग बैंड का जो हाईएस्ट होता है उसको वो स्टॉप लॉस लगाकर उस शेयर को शॉर्टिंग करते हैं, या फ्यूचर्स वगैरह में भी यही कॉन्सेप्ट वो यूज करते हैं। तो हैंगिंग बैंड पैटर्न सिंपल है दोस्तों, ये पैटर्न हमारे लिए एग्जिट सिग्नल है। अगर हम किसी शेयर में एंट्री लिए थे तो ये सिग्नल जब भी आएगा तो मैक्सिमम जल्द से जल्द उससे एग्जिट कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, इसको भी अम्ब्रेला पैटर्न में ही लेते हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऑल्सो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।